स्थानीय ग्राम पंचायत के सभी सदस्यगण, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी स्टाफ के सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित श्री मनोज गौतम जी, श्री प्रेम ठाकुर जी, श्री कमलेश शर्मा जी, श्री राजेंद्र पंवर जी, श्री सुरेंद्र वर्मा जी, श्री वेद प्रकाश शुक्ला जी, राजेश गुप्ता जी, रामलाल वर्मा जी, बहुत लंबी सूची है, कुछ एक नाम तो मैं ले ही लेता हूँ, अनिल गुप्ता जी, उर्मिला वर्मा जी जो कि चमयार पंचायत की प्रधान है, श्री सोनलाल ठाकुर जी, ऋषिदेव शर्मा जी, डॉक्टर मस्तराम जी, श्री तुलसीराम जी, तिलक गौतम जी, श्री नथुराम चौहान जी, विद्यासागर जी, रोशन ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित भिन्न भिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, BDO कुनिहार, XN, यहाँ पर जो भिन्न भिन्न विभाग XN IPH हैं, और सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ के रूप में जिनको जाना जाता है, प्रेस के मेरे सभी बंधु, और जिनकी वजह से आज ये मंच सजा है, स्कूल के सभी छात्र छात्राएं, जिनके नाम नहीं ले सका उन्हें मैं बड़े आदर से संबोधित करता हूं, यहां पर उपस्थित मेरे बुजुर्गवार माताएं बहनें और युवा साथियों, आज सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने पूरा वर्ष जो है पूरे साल कड़ी मेहनत करी और निष्ठा से पढ़ाई करी, खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उसमें भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत आज ये जो मंच सजा है और उनको इनाम आज मिलने वाला है पुरस्कार वितरण समारोह में, जो आज वो पुरस्कार के हकदार बने हैं, उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जो जिन छात्र छात्राओं को किसी कारणवश जो है पुरस्कार नहीं मिल रहा है, मैं उनको जो विजय चंदेल जी ने अभी मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां जो हरिवंश राय बच्चन जी महान कवि रहे, उनकी जो पंक्तियां उन्होंने बताई कि असफलता भी एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, बिल्कुल सही कहा कि असफलता यदि आप किसी कार्य में असफल हुए हैं तो उसे एक चुनौती के रूप में आप उसको स्वीकारो, और अगले वर्ष क्या कमियां रह गई आपकी इस वर्ष में, उन कमियों को दूर कर आने वाले समय में जब अगले वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा तो इस मंच पे आप भी पुरस्कार पाने के हकदार बने, ऐसी आप मेहनत करो, ऐसी निष्ठा से आप ऐसी कड़ी मेहनत करके आप उसको हासिल करो, ये भी मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा समस्त यहाँ के हमारे प्रबुद्ध मतदाताओं का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद के रूप में मुझे वोट दिया और जिनकी बदौलत आज मैं विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचा, आपका प्रतिनिधि बनकर पहुंचा, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे गतिशील मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी, जिन्होंने कि मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो आज मुझे दी है मैं उसका निर्वाह कर सकूं और आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं, यही मेरा संकल्प है और यही मेरा निश्चय है। मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्यारे बच्चों, आज ये आपके सभी के लिए बड़ा यादगार पल है, ये समय जीवन में दोबारा नहीं आता है। आज जो आपके दोस्त बनेंगे जब उम्र के उस पड़ाव पे जहां आज हम पहुंचे हैं, जब आप आपस में मिलेंगे तो वो एक खुशी आपको प्राप्त होगी जो मैं जिसकी मैं कल्पना आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते हो, जिसको मैं बयान शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। आज आपके बीच में आकर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया, मुझे भी अपने स्कूल के दिन वो दिन याद आ गए, और आज आपके बीच में मैं अपने को भी एक छात्र के रूप में ही महसूस कर रहा हूं। आप जिस उद्देश्य से इस स्कूल में आए हैं, आपका अपना एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें यदि आपने जीवन में सफल होना है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत कॉम्पिटिशन है। आज
यदि आपको रोजगार प्राप्त करना है, आपको किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, तो उसमें शिक्षा की जरूरत होती है। और विकसित समाज तभी बन पाता है जब वो शिक्षित समाज होगा। वहां का हर युवा शिक्षित होगा, हर व्यक्ति शिक्षित होगा, तभी जो है समाज तरक्की करता है। और राष्ट्र निर्माण में आपकी आपकी भूमिका तब तय होती है जब आप उसको तय करते हैं। इसलिए आज आप यहां पर स्कूल में आए हैं, तो आप अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करें कि आपको जीवन में करना क्या है। आप सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ाई ना करें, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करें, ताकि आप ज्ञान प्राप्त करके यहां से जब पास आउट होकर निकलेंगे, उस शिक्षा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ें और अलग अलग विभागों में आप जो है अपना योगदान दें, चाहे वो नौकरी के रूप में दें, चाहे वो आप व्यापारिक दृष्टिकोण से दें। एक सफल व्यक्तित्व आपका तभी बन पाता है जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर अभिभावक भी बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं बच्चों के, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि जब शिक्षा का सामंजस्य संस्कार के साथ होता है, तभी जो है शिक्षा पूर्ण होती है। जहां यहाँ जो शिक्षक बैठे हैं, वो शिक्षा उनके द्वारा प्रदान होती है बच्चों को, मगर जो माँ बाप बैठे हैं यहाँ पर, माता पिता बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, जब तक वो संस्कार नहीं देंगे, अच्छे संस्कार का सामंजस्य जब शिक्षा के साथ नहीं होगा, तो वो बच्चे अच्छे जो है नागरिक बनने की ओर अग्रसर नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी शिक्षकों को, और बधाई भी देना चाहता हूँ। मैं देख रहा था कि जब प्रिंसिपल महोदय श्री राजीव गौतम जी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो बहुत सी उपलब्धियां यहाँ बच्चों ने हासिल करी हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेलकूद के क्षेत्र में हो, और उसके पीछे जो आप लोगों का जो योगदान है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आने वाले समय में इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बने और ये आगे बनकर अपने लक्ष्य को की प्राप्ति करें, ऐसी भी मैं कामना करता हूं। और आप सभी को आज के इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, यही मैं आज का कहना चाहता हूं। इसके साथ ही एक मांग पत्र जो माननीय प्रिंसिपल महोदय ने यहां पर रखा है, और जगदीश ठाकुर जी ने भी उसका अनुमोदन किया है, जो यहाँ पर साइंस ब्लॉक की रिक्वायरमेंट जो आपने एडिशनल बजट की मांग करी है, तो आज इस मंच के माध्यम से 1,39,00,000 रुपए में से जो राशि आपकी बची हुई है, तो वो पूरी की पूरी राशि देने की मैं घोषणा करता हूं साइंस ब्लॉक के लिए, और जल्द ही जो है ये राशि आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा जो आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग अंडर RMS से जो की बात रखी है, तो इसके लिए मैं 20 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करता हूं, और आपको 31 मार्च से पहले पहले जो यह राशि आपके पास आ जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपने क्रिएशन ऑफ पोस्ट लेक्चरर म्यूजिक की जो मांग रखी है, इसमें मैं ये मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखूंगा, क्योंकि इसकी घोषणा करना मेरी कॉम्पिटेंस में नहीं है, और मैं ये माननीय मुख्यमंत्री के पास आपकी मांग लेकर जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको जो है यहां पर ये पोस्ट क्रिएट हो और आपको बच्चों को इसकी सुविधा मिले, ये मैं कहना चाहूंगा। एक मांग और प्रिंसिपल महोदय ने रखी थी कि शायद एक कमरे की मांग रखी थी, जिसमें से कुछ पैसा आ गया और 4,22,000 रुपए का आपने एस्टिमेट दिया है, तो मैं आपको 4,22,000 रुपए की देने की भी मैं घोषणा करता हूं कि आपको वो आएगा, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का सपना है कि जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, उनको स्ट्रेंथन करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम बच्चों से तो बहुत सी आशाएं करते हैं कि बच्चे ये करें, छात्र बच्चे ये वो करें, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनके लिए भी एक ऐसा वातावरण जो है बनाएं, ताकि जो यहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त कर सके, उनको भी ऐसा वातावरण दें ताकि वो यहाँ पर कम से कम जो कमरों की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से हो। आप अभी यहाँ पर जो मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर मेरे दोस्त भी हैं HDFC बैंक के, उन्होंने भी अपना एक योगदान देने की बात करी है। मैं आपसे प्रिंसिपल महोदय साझा करना चाहूंगा कि आप उनसे जरूर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, जो HDFC बैंक दारला में है, सीनियर मैनेजर हैं, तो वो ये कह रहे थे कि उनके पास CSR फंड होता है,
आप उनके वो और वो तैयार हैं, वो आपके लिए यहाँ स्मार्ट क्लासेस का निर्माण कर देंगे, जो जो आपको यहाँ पर चाहिए स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए, उसमें वो धनराशि उपलब्ध करवाकर आपकी वो मांग पूरी करेंगे। तो आप उनका उनका भी योगदान लें। तो मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी इस योगदान के लिए ऑफर किया, आज यहाँ पर वो आप हमारे बीच में आए। और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विकास हो इसके लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो इस बजट में हम लेकर आ रहे हैं, मैं वो भी आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो खुलने जा रहा है, और उसको हम उसी तर्ज पर खोल रहे हैं जिस तरह से शहरों में पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल का जो स्टैंडर्ड होता है उससे भी बढ़कर स्टैंडर्ड जो है वो हम यहाँ पर खोलने जा रहे हैं। और डे बोर्डिंग स्कूल जो है हर विधानसभा क्षेत्र में एक जो है खोल रहे हैं। हमने यहाँ पर भूमि डीसी जो सोलन है और यहाँ पर एसडीएम अर्की बैठे हैं, तो इन्होंने जगह का जो है जगह चिन्हित करी है, कुछ जगह उसमें से जो भी नॉर्म्स पूरे करते होंगी जगह वहां उस लोकेशन पे इसी बजट सेशन में जो है अर्की विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल जो है उसके लिए बजट का प्रावधान मैं करने जा रहा हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और उसमें 20 करोड़ रुपए की राशि जो है तुरंत प्रभाव से इसी बजट सेशन में उसका प्रावधान करने जा रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसके अलावा यहाँ पर सीवरेज की मांग थी, तो मैंने अभी आईपीएच एक्सियन जो यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने मुझे बताया कि डीपीआर जो है इसकी 20 फरवरी से पहले पहले तैयार हो जाएगी, और इसी वर्ष जो है इसका कार्य बजट के लिए जैसे ही जाएगा और इसका इसी साल जो है इसका कार्य सीवरेज की व्यवस्था पूरे दाड़वा घाट के तीनों पंचायतों में इसका यहाँ पर शुरू होने जा रही है। ये हमने विधायक प्राथमिकता में मैंने डाली है और इसका फायदा भी जो है आप लोगों को सभी को मिलेगा। तो ये सब बातें